गाइस हम लोग बैठ चुके हैं बोट के अंदर। बंदर को आप कुछ दान दे दीजिए, अगर आपके पास कुछ है तो इस बंदर को चना खिला सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं। बहुत सारे भगवानों की प्रतिमा भी दिख जाएगी, आप सभी के दर्शन करिए और आनंद में अपने सारी मनोकामना को पूर्ण करें यहाँ आके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आपको पता है कितनी ठंडी है छत्तीसगढ़ दुर्ग में, आज का टेम्परेचर है 5.4 डिग्री सेल्सियस। सोचो इतना गिर गया है, कल था 11, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, और आज का टेम्परेचर हो चुका है 5.4 डिग्री सेल्सियस। धूप तो निकली है, देखते हैं टेम्परेचर और बढ़ता है कि घटता है। मुझे तो लगता है ठंड बहुत है, आपको भी अपने आप को बचा के रहना चाहिए, कपड़े गरम गरम पहनिए और ठंड से बच कर रहिए। मैं भी अभी मैंने कैप उतारी है, वरना अभी थोड़ा धूप हो गया था, मैं बाहर बैठा था इसलिए मैंने कैप उतार दिया, वरना मैं अभी बहुत बच के रहा था और कपड़े पहन के रखा था। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आज जा रहा हूँ एक और न्यू जगह, तो वो तो आपको वीडियो के देखने पे पता चल जाएगा, तो उसको वीडियो को पूरा देखिए। और यार गाइस, बहुत टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे वीडियो को ग्रो करिए, चैनल को ग्रो करिए। प्लीज़ सपोर्ट चाहिए मुझे, आप सभी का प्यार चाहिए, दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट व्लॉग आप तक पहुंच जाए। गाइस बहुत ही बढ़िया व्लॉग बनाते हैं, एक बार आप चेक करके देखिए, अगर नहीं पसंद आया तब भी चलेगा, पर गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए। एक भारतीय होने के नाम पे आप अपने भाई को सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो रन्नू और पापा गए हैं बाहर कुछ सामान लेने बाजार तरफ, और जब उन लोग आ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मुझे रेडी होना पड़ेगा, तो मैं नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद आपसे मिलूंगा। चाय पानी तो हो चुका है, गर्मा गर्म चाय मेरे को कभी मिलती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, क्या होता है कि मैं बहुत लेट उठता हूं, और लेट उठता हूं तो मेरे को गर्मा गर्म चाय घंटा मिलती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। है ना मम्मी, वो तुम्हारी करनी का फल है। मेरी करनी का फल? तुम्हारी करनी का फल है, तुम लेट से उठोगे तो ठंडी चाय पियोगे। तो भाई इतनी ठंडी, मतलब ठंडे में चाय को रख दोगे ना तो इतनी ठंडी हो जाएगी, सोचो टेम्परेचर के हिसाब से वो भी मैनेज कर लेते अपने आप को। सोचो मैं यार उठता हूँ करीब 9 बजे और 1 घंटा हो गया मुझे उठे, तो ब्लॉग को मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए एंड करने में मुझे टाइम लग जाता है, फिर रात को एडिटिंग करने में भी मेरे को रात में बहुत टाइम लग जाता है, फिर सुबह उठने के बाद मैं सुबह वीडियो डालता हूँ। सोचो एडिटिंग करने के बाद रात को नहीं डालता, मैं सुबह डालता हूँ। कितनी मेहनत लगती है गाइस, प्लीज सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए और प्लीज लाइक करिए वीडियो को, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। यार बहुत जरूरत है आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का, प्लीज हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को ग्रो करिए, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। आपके दिल से प्यार, दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू सभी को जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें प्यार देते हैं, पर अब हमें और भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, हमें और भी 1K तक पहुंचना है गाइस, तो प्लीज हमें 1K तक पहुंचाइए और हमें सपोर्ट करिए सब मिलके। अगर एक एक सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे अपने मोबाइल से तो क्या हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाता, प्लीज सपोर्ट करिए, दिल से प्यार, दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया गाइस, प्लीज। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप समझदार हो तो आप कर दोगे, क्योंकि जानते हो आप बड़ी मेहनत लगती है गाइस, समझो। तो मैं ये देखो, ये भी बहुत मेहनत करती है हमारी बेटी, और सबसे ज्यादा मेहनत तो मेरा रहता है, तो जब तक आप कर दो सब्सक्राइब तब तक आपको पता चल जाएगा हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, और सब्सक्राइब कर देना और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए आप छोड़ के जाना, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत का कोई फल मिल रहा है हमें, हमें आपका प्यार दिख रहा है। तो प्लीज गाइस अच्छा सा कमेंट भी कर देना हमारे वीडियो पे, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और यहीं से हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक हमें किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, लोग आते हैं देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो ये बहुत दिल से बुरा लगता है गाइस, दिल से। पर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, प्लीज करिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, तो धन्यवाद अगर
हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार देते हैं, दिल से शुक्रिया। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और क्यों ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं देख लो आप, मैं बहुत जल्दी नहा रहा हूँ, वरना इतना जल्दी मैं नहाता नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि अभी बहुत ठंड है और इतना ज़्यादा धूप भी नहीं निकला है। फिर भी मैं जा रहा हूँ नहाने क्योंकि नीचे लगा है गीज़र, और गीज़र से गर्म गर्म पानी से नहाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हम लोग फिर से आप तो समझ गए होगे, मेरा इस तरीके से कहने से आप समझ जाते होगे कि हम लोग कुछ नया लाने वाले हैं वीडियो में, इंटरेस्टिंग। तो फटाफट से मैं नहा लेता हूँ पहले। तो हम लोग निकलने जा रहे हैं, और चलो माँ बाय, माँ माँ बाय बाय बोल रहे भाई। तो चलो कार में बैठते फटाक से। हम लोग निकल चुके हैं घर से, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं रायपुर, मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो पापा मम्मी सब, हमारी बच्ची मम्मी हमेशा, आजकल मम्मी पीछे बैठने लग गई है क्योंकि मैं बैठता हूँ आगे। मुझे आराम से पैर फैला के बैठने को, मम्मी को रिलैक्स होके बैठना है, पूरा मजे लेना है, मम्मी को पूरे सफर का मजा लेना है। तो हम लोग जा रहे हैं रायपुर, और रायपुर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं महादेव घाट, और महादेव मैं जा रहा हूँ घूमने, मजा आएगा आज महादेव घाट घूमेंगे। महादेव घाट हम लोग पहली बार जा रहे हैं रायपुर में, रायपुर तो हम लोग बहुत बार जा चुके हैं लेकिन रायपुर से हम लोग महादेव घाट नहीं गए। आज हम लोग जा रहे हैं महादेव घाट घूमने, और आपको भी हम कुछ झलक दिखाएंगे वहाँ की, तो देखना मत भूलेगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि रायपुर यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है, और 40 किलोमीटर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं करीब, पावर हाउस से आगे निकल चुके हैं हम लोग, बस रायपुर, अब रायपुर से हम लोग NH हाईवे जो है वो वाला रूट नहीं पकड़ेंगे, हम लोग रायपुर से NH हाईवे से कट जाएंगे, और हम लोग फिर अमलेश्वर कट जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अमलेश्वर क्यों कटेंगे, क्योंकि रायपुर का जो रोड है ये यहाँ का बहुत कंजेस्टेड रोड है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं और रोड का काम चल रहा है। तो हमें जाना है महादेव घाट, लेकिन हम लोग जाएंगे अमलेश्वर होते हुए, अमलेश्वर से हमें पास पड़ेगा, और वहाँ का रोड भी बहुत बढ़िया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस चलते हैं अपने सफर में, और आपको भी इंजॉय कराते हैं, और हम भी थोड़ा इंजॉय करते हैं, और आपको रोड भी दिखाने वाले। तो अमलेश्वर जो है थोड़ा गांव टाइप का रोड है, तो वहां का सीन भी बहुत एक से एक व्यू आने वाला है, तो आपको भी वहां के बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाएंगे हम लोग। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं महादेव घाट में। तब वो देखो तूफान, गाइस देख रहे हो आप बवंडर कैसे घूम रहा था ना मम्मी। तो गाइस अभी हम लोग हैं अमलेश्वर वाले रोड में, और अब हम लोग जाएंगे सीधा रायपुर। गाइस रोड तो बहुत सनान मिला है हमें, और मजा आ रहा है, व्यू भी बहुत सुंदर है, आपको भी हम कुछ ही देर में व्यू भी दिखाने वाले। रोड का व्यू देख लो आप पहले, बहुत ही सनान रोड है। अगर आप यहाँ से रायपुर जाना चाहें, महादेव घाट और एयरपोर्ट भी यहीं से पड़ेगा, न्यू रायपुर भी पड़ेगा 22 किलोमीटर। हाँ वहाँ पे लिखा था, आपने देखा होगा वीडियो में, तो ये सिंगल रोड है। फिलहाल अभी हम लोग वेट करते हैं, और काफी समय लगेगा अभी, तो सीधा आपसे रायपुर चल के मिलते हैं महादेव घाट। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, दोस्तों कहीं मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइस, प्लीज वीडियो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, दिल से लाइक बनता है, प्लीज कर देना लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। लव यू सो मच, दिल से प्यार सबको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव घाट, और जस्ट नदी के बाजू से आपको गेट मिल जाएगा यहाँ पे एंट्री करने का। काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अभी महादेव घाट, और ये देखो हमारे बच्चे लोग पहले से ही झूले में लग गए, और झूला झूल रहे सब अपना अपना, तो पहले दर्शन कर लेते हैं, और थोड़ा झूला मैं भी झूल लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है। गाइस ये देखो ये झूला, ये वाला देखो, वाह इसे खींचने वाला, ये जो है थोड़ा हार्ड नहीं है, वजन कम हो गया कि मैं इतना आसानी से इसको कैसे खींच ले रहा हूँ। वाओ गाइस ये लगता सॉफ्ट है, इसलिए ये देखो मम्मी पकड़े इसको। गाइस मजा आ रहा है, वाह ये छोटा है एकदम बच्चों वाला है यार ये, तो बहुत बड़ा है, मजा नहीं आया मेरे को, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ इसलिए मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं रन्नू बेबी को दिखाता हूँ आपको सीधा, ये देखो इन दोनों को साथ में, अरे वाह साथ में, साथ वाला
हम साथ। मेरे को भी घुसा ले यार बीच में, मैं नहीं आ सकता। हाँ नहीं भाई, तुम ही लोग झूनो, मेरे को मजा नहीं आता इस सब फालतू चीज में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महादेव घाट और मंदिर का दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एक साजू उस गाड़ी में इतने सारे लोग बैठे थे, उस गाड़ी से निकले हैं सारे। दिखाऊं क्या उनको कैमरा में? दिखा देता हूँ गाइस, वो देखो वो होंडा सिटी है, होंडा सिटी निवरना है, और उस कार में से इतने सारे लोग निकले, सोचो कैसे बैठे होंगे। बाप रे, कितना ठुस ठुस के बैठे होंगे। इस नदी को खारू नदी कहते हैं और खारू नदी के घाट पे ये स्थिर है मंदिर, जो महादेव जी का मंदिर है। इसकी स्थापना जो है वो 1402 में हुई थी। और चलिए मैं आपको इसके दर्शन करा देता हूँ, महादेव जी के दर्शन करते हैं हम भी, और आप भी महादेव जी के दर्शन करें हमारे साथ इस वीडियो के द्वारा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। धूप तो बहुत बढ़िया निकला है, तो स्वेटर तो मैंने पहना नहीं है। ये देखिए ना, सर पे धूप है हमारे सीधा, इसलिए ठंडी नहीं लग रही हमें। वो देखिए गाइस, यहाँ पे बोटिंग भी हो रहा है, बहुत मजा आने वाला है। हाँ क्या बोली बेबी? फूल वाला बोट भी है, नॉर्मल बोट भी है, बहुत सारे बोट्स चल रहे हैं यहाँ पे। नदी में सीधा कूद जाते हैं और एक डुबकी मार लेते हैं। चलो चलो चलो, डुबकी मार के आते हैं एक बार। मंदिर नहीं, पहले डुबकी मारने चलो। अरे जाते ना, मजा आएगा। चलो चलो। हाँ बेबी, बेबी आप वहाँ खड़े हो जाओ, फोटो ले लेता हूँ मैं आपकी। हम लोग तो नीचे आ गए, चलो वापस ऊपर चले। बोट झूलने वाले कि मंदिर के दर्शन करेंगे? पहले पहले बोट ही झूल लेते हैं। वाओ, हम लोग बोट में रेट पूछ लेते हैं पहले, कितना है। वाओ गाइस, हमने बोट बुक कर ली, 50 रुपए सवारी है। तो चलिए बैठते हैं बोट के अंदर, मजा आने वाला है। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ गाइस। सुंदर वाली बोट में बैठ रहे हैं हम लोग। बैठो 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 बैठो, तुम लोग बैठो। बैठ गए? चलो मैं भी आता हूँ। चलिए गाइस, अब मैं भी चलता हूँ अंदर। यहाँ तू, यहाँ 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 वाह गाइस, बैठ गया मैं अंदर। पापा उधर का बैलेंस बना देंगे बैठ के। अब आएगा मजा। बेबी एकदम किनारे, बेबी गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं बोट के अंदर। गाइस हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, कैसा लग रहा है बेबी रन्नू? चलिए हम लोग चलते हैं। वाव, पानी इतना पास है। वाव गाइस, बहुत मजा आ रहा है। एक बार व्यू भी आप देख लो, सिनेमैटिक्स भी देख लो। एक नंबर मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। आप भी यहाँ आएंगे तो आपको भी बोटिंग करने की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे 50 रुपए सवारी बोटिंग का है, तो आप भी आके यहाँ का मजा उठा सकते हैं। और मजा उठाने के बाद, बोटिंग करने के बाद, आप यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। तो हम भी अभी बोटिंग का राउंड मिल जाएगा। आप ये जो ब्रिज देख पा रहे हो दोनों तरफ, आप देख लोगे, आओगे तब आपको यहाँ पे राउंड घुमाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा दर्शन करने भोलेनाथ जी का। तो हम भी करते हैं, पहले हम बोटिंग का मजा उठाते हैं। ब्रिज आप देख रहे हो, इसे लक्ष्मण झूला टाइप का बनाया गया है। इसमें भी जाके देखेंगे, फोटो भी ले लेंगे दो चार। और बेबी कैसन लग रहा है तोला? वो देखो, एक नंबर डुबा रही है पानी में। नोनी ऐसा नहीं करते थे? हाँ नहीं करते, ऐसी करते हैं। हमारे ऊपर से ब्रिज और हम लोग ब्रिज के नीचे, लक्ष्मण झूला बनाया गया इसको। ऐसा बनाया गया ताकि ये लक्ष्मण झूला जैसे दिखे। हम लोग लक्ष्मण झूला में गए हैं ना हम लोग, उस समय वीडियो नहीं बनाने का, मैं बहुत छोटा था, इतना अच्छा मोबाइल ही नहीं था गाइस। अब थोड़ा आ चुका है तो हमने भी सोचा यूट्यूब खोल लिया जाए। हम लोग बस उतरने वाले हैं यहाँ से, पहुँच गए हम लोग घाट तक के, उतरते हैं। आजा मम्मी, आजा। मम्मी को डर लगता है पानी से, और बोट में तो और ज्यादा डर लगता है, जो पानी फेंक रही है। चलो गाइस अब चलते हैं हम लोग ऊपर, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा के। आइए, वीडियो को पसंद कराया तो लाइक भी कर देना फटाफट से।
सामने हमें यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलोगे कि सीधा घाट तक के मंदिर के सामने उतारे तो आपको मंदिर के सामने भी उतार देंगे बोट से। चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। इस जैसे बंदर को आप कुछ दान दे दीजिए, अगर आपके पास कुछ है तो इस बंदर को चना खिला सकते हैं कुछ खिला सकते हैं। ये बंदर ऐसे यहाँ बहुत मिल जाएंगे आपको। चलिए मंदिर के अंदर सबसे हाँ चप्पल यही अंदर उतारने क्या। गाइस कैसा मंदिर है एक बार कमेंट में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, और आप भी आ सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं भोले बाबा के। बहुत ही बढ़िया मंदिर है यहाँ का। क्या है बंदर? हाँ यार ऐसे बंदर लोग कुत्ते ना धाड़ 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 ऐसी हरकत कर रही है। क्या ही बढ़िया मंदिर है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। पता है कुछ फूल है कदम का फूल कदम कदम गाना नहीं सुने? हाँ यार मैं सुना। कदम का पेड़ अगर होता यमुना वाह कदम का पेड़ भगवान का होता है ना। कृष्ण भगवान इसी पे बैठ के यमुना के किनारे। चलो क्या सुंदर मंदिर है यार। हम लोग जो है ना थोड़ा गलत आ चुके हैं दरवाजे से इस साइड से। आगे चल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग और सही रास्ते से सही द्वार से अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। चलो जो भगवान दिख जाए उनके दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राम जय सीता मैया जय श्री मैया जय श्री राम। वाओ गाइस देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर प्रतिमा है गणेश जी की। गणपति बप्पा मोरिया। और यहाँ पे है श्री राज राजेश्वरी मंगल गौरी माता श्री राज राजेश्वरी माता के मंदिर। जय दुर्गा मैया जय का। मेन एंट्रेंस इधर से थी, हम लोग गलत आए थोड़ा। ये देखिए मेन एंट्रेंस यहाँ से था, हम लोग उल्टा दर्शन करते हुए आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको और बहुत सारे भगवानों की प्रतिमा भी दिख जाएगी। आप सभी के दर्शन करिए और आनंदमय अपने सारी मनोकामना को पूर्ण करें यहाँ आके। गाइस यहाँ पे बाबा की प्रतिमा है ब्रह्मा लीन श्री सरस्वती गिरी जी की। यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत भी थे। जय हटकेश्वर नाथ जी का मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था हटकेश्वर नाथ। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं, हम भी करते हैं। अपने आप इनकी प्रतिमा देख पा रहे होंगे। मंदिर के अंदर जाना बना था। अच्छा ऐसे घुस गए तुम लोग? कहाँ लिखा? ये मैंने बोला है। ऐसा कहीं लिखा नहीं। ये मैंने बोला तुम लोग कैसे घुस सकते हो अंदर? आए हम लोग इस रास्ते से थे लेकिन हम लोग जाएंगे सही रास्ते से, मतलब उल्टा हो गया हमारा। हम जिस तरफ से हमें आना चाहिए था उस तरफ से अभी हम जाएंगे और जिस तरफ से जाना चाहिए था उस तरफ से हम लोग आए हैं। गाइस कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके बता देना और चाहे पे चैनल वीडियो को लाइक कर देना अभी तक के, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। जय माता रानी। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। मैं आपको बताऊं ये रिमोट है ना इसकी बैटरी डाउन है और मैं इसको चार्ज करना भूल गया था घर में, इसलिए ढंग से काम नहीं कर रहा। मेरे को हाथ से बार बार बंद करना पड़ रहा है कैमरा को। तो कार में चार्जर है इसको चार्ज कर लूंगा मैं। मेन रास्ता ये है अंदर आने का, आप गलत मत आइएगा, आपको यहीं से आना है। हम लोग भले गलत आए थे और हमने चप्पल भी वहीं उतारा है। एक्सक्यूज मी वेट अ सेकेंड, चप्पल तो हमने वहीं उतारा है। ये आगे क्या कर रहे हैं? तो वहीं उतार दिया हमने चप्पल। ठीक है ना तो पहन लेंगे चप्पल। हाँ वहाँ जाते हुए पहन लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स भी मिल जाएंगे आपको। रन्नू देखो अब ऐसे में तो इसको डांट पड़नी चाहिए बंदर। किसी दिन छूट जाएगी ना तो फिर हो जाएगा तेरा खेल खत्म, फिर भूल जाओ इसको वीडियो में, फिर कभी नहीं दिखने वाली है आपको। मंदिर के सामने आपको पंचदशा नाम जी मंदिर मिल जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे भी हम दर्शन कर लेते हैं। एक बार मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ मैं आपको क्विकली। कुछ ऐसा है यहाँ का मंदिर, ये शायद प्राचीन पेड़ होगा, इसे काटा नहीं गया है। और मंदिर का एंट्रेंस है यहाँ पे। आपको सभी मंदिर में ऐसे कलाकारी बहुत दिख जाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और मंदिर की यही खासियत है कि ये मंदिर प्राचीन होते हैं और इनकी बहुत श्रद्धा मान रखा जाता है। गाइस आपको यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है, ये जो टाइल्स है ना ये बहुत उठा हुआ है, आप आराम से आइएगा। यहाँ पे भी मंदिर मिल जाएगी आपको। और मैंने जैसे कि आपको बोला यहाँ पे बहुत सारे साधु संत भी थे और उन्होंने यहाँ पे समाधि ली है। यहाँ पे देखिए नौ ग्रह, केतु देव, बहुत सारे, वाओ नौ ग्रह। एक बार आप सभी के दर्शन कर लीजिए। हमारे चप्पल जूते सब वहीं पे हैं, इसलिए हमको वापस वहीं जाना पड़ेगा। आ गए हम लोग बाहर, सामने हमारे नदी। पापा पापा क्या मेरे बाजू ही कूद रही थी, मैं भाग गया सर से एकदम। यार गिरगिट है मम्मी यहाँ पे, आओ ना तो छिपकली वाली गिरगिट कहाँ है? यहीं पे है, यहाँ पे हमारे कैमरा के सामने, सामने दिख रही है। कलर चेंज कर दीजिए आप, आ जा यहाँ से गिरते गिरते आइए, पता है कूद गई, आप ही की तरफ आ रही है मम्मी, मम्मी आप ही की तरफ आ रही है। गिरगिट क्या कर दी, तो जाने यार उधर जाए जाते इधर आ। हम लोग इस तरफ से आ गए, चलो मैं शूज पहन लूं अपने, पर हमें जो है थोड़ा निकलना है क्योंकि अभी ये फर्स्ट व्लॉग था। अब हमें बहुत सारा जगह घूमना है रायपुर का, ये मैंने आपको बताना भूल गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं इस व्लॉग में क्योंकि हमारे चैनल पे आने वाले बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छे लेटेस्ट न्यू व्लॉग्स जो रायपुर के होने वाले हैं। और रायपुर में जो ऐसी जगह है घूमने के लिए वो भी हम जाएंगे और मैं भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जिससे बेल आइकन दब जाएगा, और बेल आइकन दबने के बाद जो हमारे बाकी ब्लॉग्स आएंगे वो जो है आपको मिल जाएंगे, उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे आपको हमारे सारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी न्यू ब्लॉग्स आएगा। तो आपको क्या करना है, सबको सब्सक्राइब करना है HDMI ब्लॉग्स। हाँ तो गाइज हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे वहाँ पे, हाँ तो चलिए वहाँ सब्सक्राइबर मिल गए थे हमारे, हमको पूछ रहे थे चैनल का क्या नाम है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रायपुर के हम लोग कुछ ऐसे जगह दिखाने वाले हैं जो बहुत सारे जगह दिखाएंगे आपको घूमने के, जिसमें आपको भी मज़ा आएगा और आप भी वहाँ घूम सकते हैं। हम आपको रोड का भी पूरा व्यू बता देंगे और कैसा वहाँ जाना है ये भी हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और आप भी वहाँ घूम सकते हैं। तो हम लोग भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा, तो मज़ा आने वाला है बहुत ही। तो देखना ना भूलिए, इस व्लॉग को हम लोग करने जा रहे हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी न्यू लेटेस्ट व्लॉग आप तक पहुँच जाए। समझ रहे हो ना तो कर दो फटाफट से, इंतजार नहीं करना है ज़्यादा और फटाफट से हमारे चैनल को ग्रो भी करना है। जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था आपको व्लॉग के कि प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट का अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए।